हाँ हाँ बेटा वो सो गया। हाँ बस अभी दे रही हूँ बस। हाँ पिताजी लाई। हाँ मम्मी अभी देखती हूँ। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? मेरा बच्चा उठ गया? हाँ जी उठ गया है। ठीक है चलो मैं काम के लिए निकल रहा हूँ। हाँ आप जाओ आपका ही काम है। मैं तो घर में बस बच्चे संभालने के लिए हूँ। तुम नहीं संभालेगी तो कौन संभालेगा? पर आप भी तो बाप हो आप भी संभाल सकते हो। ऐसा नहीं है, एक बच्चे को एक अच्छी तरीके से उसकी माँ ही संभाल सकती है। और बाप? बाप नहीं संभाल सकता बच्चे? हाँ? देखो तुम्हारा काम है बच्चे संभालना, घर गृहस्थी संभालना, हमारा काम है कमा कर लाना। मैं कमा नहीं सकती क्या? हाँ ग्रेजुएशन करी, पीएचडी करी, इतनी पढ़ाई करी और उसके बाद क्या? शादी करने के बाद मैं एक घर से दूसरे घर में घुस के मैं कैद हो गई हूँ। और क्या कर सकती हो, हर औरत यही करती है। दूसरों से मुझे क्या मतलब? मुझे खुद से मतलब है। मुझे पढ़ाई करनी है और प्रोफेसर बनना है बस। ऐसा नहीं है, घर पे कोई अलाउ नहीं करेगा, माँ पिताजी और समाज वाले क्या बोलेंगे कि छोटा बच्चा है उसको छोड़ के काम पे जा रही हो। अभी तुम चुप रहो, तुम ससुराल में हो, पत्नी की तरह रहो। मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूं। ये देखो मैं क्या जीत कर आया हूँ। अरे बेटा क्या हो गया, तू क्या करके आ गया? मैं ये बैट जीत कर आया हूँ माँ। अपने मोहल्ले में मैच था और वो मेरी वजह से जीत गए तो मुझे बैट मिला है ट्रॉफी के तौर पर। अरे वाह बेटा तू तो बड़े अच्छे काम करने लगा है। माँ मैं तो करता ही हूँ अच्छे काम, पर क्या करूँ किसी को दिखता ही नहीं है। तुझे मालूम है आज तेरी दीदी भी ना एक ट्रॉफी लेके आई है पढ़ाई में। आगे है मेरी बेटी अव्वल नंबर। हाँ हाँ माँ, पर देखो मेरा बैट ना दीदी के ट्रॉफी से बड़ा है तो मेरी जीत बड़ी हुई। तू भी जो कह रहा है वो बात सही है, तेरी दीदी कितना भी पढ़ ले लेकिन आगे तो उसको घर का काम ही करना है ना। हमारी प्रथा को कौन बदल पाया है और कौन बदल पाएगा? हम औरतों की जिंदगी ना ऐसे ही निकल जाती है तुम लोगों की मजदूरी करते करते। मेरी भी वैसे ही निकल गई, तेरी दीदी की भी ऐसे ही निकल जाएगी। हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन माँ आप कुछ भी कहो मैं ये प्रथा तोड़ के रहूंगी और बदल के रहूंगी। मैं बहुत पढ़ाई करूंगी और जॉब भी करूंगी।
मेरे भी अच्छे दिन आएंगे माँ। देखो बेटा, तुम जो बात कर रही हो वो नहीं हो सकता। तुम्हें तो पता है अपने समाज की प्रथा जो भी है, तुम उन सबसे बाहर नहीं हो, समझी तुम? और नहीं कभी जाने की कोशिश करना। देखो, तुम्हें पढ़ना था तो हमने तुम्हें तुम्हारे मामा के घर भेजकर पढ़ा लिया। भेज तो मैं तुम्हें तुम्हारे चाचा के घर भी सकता था, लेकिन तुम तो जानती हो तुम्हारा चाचा सारे खानदान की प्रथा को ही मानता है, वो इस बात को नहीं समझेगा। इसीलिए मैंने तुम्हें तुम्हारे मामा के घर भेजकर बिना किसी को बताए तुम्हारी पढ़ाई करवा दी। अब बस, अब जो कुछ करना है शादी के बाद। कल ही एक अच्छा रिश्ता आया है, मैंने तुम्हारी माँ से बात कर ली, तुम भी बात कर लो, शादी करो और अपने घर जाओ। वहां जाके तुम्हें जो कुछ करना है वो करो। पर हाँ बेटी, एक बात याद रखना, ऐसा कुछ मत करना जिससे हमारे भी इज्जत खराब हो, समझे तुम? पिताजी, लक्ष्मी के पास पीएचडी की डिग्री है और वो पढ़ाना चाहती है। क्या कह रहा है तू? हैं? वो प्रोफेसर बन के पढ़ाना चाहती है और वो पढ़ाएगी। अरे लोग क्या कहेंगे बेटा, अरे ये समाज क्या कहेगा? हमारे घर की बहू घर से बाहर काम करने जाएगी क्या? अरे राम 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 राम। तुम क्या ये समाज की बात लेके बैठ गई हो अभी? मुझे समाज से और किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे अपने फैमिली से और अपनों से लेना देना है। क्या हो गया है आजकल के बच्चों को? वो प्रोफेसर बन के पढ़ाना चाहती है और वो पढ़ाएगी, वो जाएगी। मम्मी जी, बेटा, आज हमारे क्लास टीचर ने सबसे पूछा कि बड़े होकर क्या बनोगे? मैंने क्या बोला बेटा? पापा, मैंने बोला मैं बड़ी होकर प्रोफेसर बनूंगी और सब बच्चों को पढ़ाऊंगी। पापा, हाँ, मैं बड़ी होकर प्रोफेसर तो बनूंगी ना? हाँ बेटा, तू बड़ी होकर जरूर प्रोफेसर बनेगी। ये लो। तुम जाओ, प्रोफेसर बनो और पढ़ाओ, घर में देख लूंगा, कोई जाने दे या ना जाने दे, मैं बोल रहा हूं, तुम जाओ। हाँ बोलो, जाओ। और हाँ, बच्चों की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं हूं ना, जा और जाके अपना सपना पूरा करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ।